गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आज पढ़ा रहे थे आपको इंग्लिश ग्रामर, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम उसी के आगे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये सभी जानते होंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जिसमें हमने आपको बताया था कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसके वाक्यों के अंत में आ रहा था, रहा है, रही है, रहे। जिस तरीके से हम लोग अपनी भाषाओं में प्रयोग करते हैं, कहीं पर शब्दों का प्रयोग होता है रहा है, कहीं पर शब्दों का प्रयोग होता है कि ता है, और कहीं पर शब्दों का प्रयोग होता है ये कार्य हो चुका है। तो कहीं पर जब कार्य का पूरा होना पाया जाता है तो वहाँ पर शब्दों के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, या ये शब्द आते हैं। तो सबसे पहला इसके जो रूल्स हैं, सबसे पहला रूल्स है कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और लिया है, लिया है, लिया है, ये शब्द आगे भी आते हैं। दूसरा जो रूल सवाल है, आपने देखा था कि पिछले टेंसों में हमने उसमें सहायक क्रिया लगाई थी, और प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया भी अलग अलग होती है। तो जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया प्रयोग ऐसे ईएस किया था, इसी प्रकार से हमने कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया का प्रयोग इज एम आर किया था, और यहाँ पर हमारा जो टेंस बदल चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर सहायक क्रिया भी आपकी बदल गई है। यहाँ पर सहायक क्रिया हो जाती है वाई हैज ऑब्लिक हैज और हैव। तो हैज का प्रयोग हमें किसमें करना है और हैव का प्रयोग हमें किस वाक्य के लिए करना है, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि वाक्यों में अगर ही सी इट एक वचन के वाक्य हो तो उसमें हम हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्यों में आई यू वी दे बहुवचन आया है तो हम सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया इसमें कौन सी क्रिया होगी? हैव का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हमारा थर्ड नंबर रूल है, जिसमें हम अभी तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यह प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है, तो इसमें जो वर्ब की फॉर्म है वह बदल जाती है। तो यहाँ पर हम अभी तक कर रहे थे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, अब आगे यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये आपने देखा ये रूल्स हैं। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर चुका चुकी जो वाक्य के अंत में आया है, लिया है, किया है, किया है, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। तो ये सभी लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर पढ़ते हैं। तो ये सभी का नोट हो गया। तो सबसे पहला वाक्य हमारा जो आता है वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो हमारा वाक्य है पहला टेंस है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल वाक्य। तो सफर
का फॉर्मूला है। इस प्रकार से वाक्यों को संयुक्त कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कार्य हुआ, जैसे दीना अपना कार्य, अपना स्कूल का कार्य पूरा कर चुकी है। तो यहाँ पर आपने देखा आपने।
द क्लोज। तो ये देखा आपने कि यहाँ पर हमने नॉट का प्रयोग किया, तो मनोज हैज गॉन पास द क्लोज। इसी प्रकार से हम बहुवचन के अंदर बनाएंगे, तो हम उसमें लिखेंगे महिलाएं मंदिर में संगीत नहीं गा चुकी हैं। यह हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि महिलाओं ने मंदिर में संगीत नहीं गाया है। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, सेंटेंस को जैसे हमने लिखा ये किताब वुमेन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर महिलाएं बहुत सी हैं, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हैव नॉट सन द सॉन्ग इन द टेम्पल। ये देखिए आपका निगेटिव सेंटेंसेस हुआ, किताब में हैव नॉट सन द सॉन्ग इन द टेम्पल, कि महिला मंदिर में संगीत नहीं गा चुकी है, जिसे आप सभी लोग नोट कर लें। तो ये था आपका निगेटिव सेंटेंसेस, ये सभी का नोट हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं अगले सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जिन पास, तो इसका जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है कि यदि वाक्यों के प्रारंभ में क्या तत्व आए, तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं, क्या के स्थान पर का प्रयोग करता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता के अनुसार करते हैं। फिर भी अधिक्षण है कि यदि वाक्यों के प्रारंभ में क्या करता है, तो क्या कि इंग्लिश नहीं बनाते हैं, क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये होगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यदि आया हो तो प्रयोग करेंगे, नहीं आया तो प्रयोग नहीं करेंगे, प्लस वर्ब मी थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब मी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पर प्रयोग किया गया, क्या क्या है, क्या है किताबें खरीद चुका है, क्या वह किताबें खरीद चुका है। तो यहाँ पर भी कार्य का पूरा होने पर बताया जा रहा है। तो क्या हम यहाँ पर वह देखेंगे, वह के अनुसार ही हम लाएंगे या तो लगाएंगे, तो यहाँ पर वह वचन है, तो हम यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। हैज ही वाउ द बुक्स। अब यहाँ पर अगर ये सेंटेंस होता कि आप वह बाजार से किताबें खरीद चुका है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं has he bought the books from market। तो जो भी सेंटेंस यहाँ पर पढ़ेगा हम
बरसात में या बच्चे बरसात में अपने घर पहुंच चुके हैं। क्या बच्चे बरसात में अपने घर पहुंच चुके हैं तो किस प्रकार से ये टेंस बनेगा? यहाँ पर बच्चे बहुत सारे हैं, यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन फिर रीच रीच इन हाउस इन जिसमें कौन से मौसम में बरसात में यहाँ पर क्या आएगा रेन। ठीक है, तो ये देखिए ये बढ़िया क्या बच्चे बरसात में अपने घर पहुंच चुके हैं। तो है द चिल्ड्रन रीच हिज हाउस इन रेन। तो इस प्रकार से ये आपका इंटरप्रेटिव सेंटेंसेस था। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा इंटरप्रेटिव सेंटेंसेस का। ये जो पहला दो इंटरप्रेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें से पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस था। अभी दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद पढ़ाएंगे। ये सभी को समझ में आ गया है, सभी ने इसे नोट कर लिया है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इसकी जो डेफिनेशन होगी इस प्रकार से होगी, यदि वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे कहां आदि प्रश्नवाचक वाक्य आदि प्रश्नवाचक वाक्य आए तो इन सभी शब्दों की इंग्लिश कर्ता से पहले बनाते हैं। इन सभी शब्द तो समझेंगे यदि वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे कहां आदि प्रश्नवाचक वाक्य आए तो इन सभी शब्दों की इंग्लिश कर्ता से पहले बनाते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होगा हम आपको पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस से हम क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिसका फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न हुआ आज स्कूल के बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया है? आज स्कूल के बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया? ये खाने की बात मिड डे मील वाली हो रही है। जैसे प्राइमरी स्कूल में जूनियर स्कूल में मिड डे मील चलता है तो वहाँ पर बच्चे खाना नहीं खाते, कोई भी रीजन होगा। तो बस उसी का हमने टेस्ट बना दिया है कि आज स्कूल के बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक इसमें क्या है। तो इसमें प्रश्नवाचक है क्यों,
वर्ब हमारी क्या होगी? है स्कूल चिल्ड्रन, है स्कूल चिल्ड्रन। और यहाँ पर देखिए नॉट लगा हुआ है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। अब यहाँ खाने की बात हो रही है, पहले देखेंगे क्या नहीं खाया, क्या नहीं खाया, द फूड, द फूड। अब इसमें और कुछ है क्या है? आपके पिताजी आज कानपुर